प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये, धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें रिश्वत लेने के और वर्दी में क्राइम करने के जुर्म में सस्पेंड किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। मम्मी मुझे भूख लगी है। बड़े में मुझे भी भूख लगी है। थोड़ा सब्र रखो बच्चों, मैं तुम लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगी। क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? इतने बड़े शहर में और कोई जगह नहीं मिली रहने के लिए? आज मैं बहुत खुश हूँ राजनाथ जी, बहुत खुश। इस खुशी का मैंने बहुत साल इंतजार किया। हाँ, खुशी की बात तो है मैडम। इस कंपनी को बेचने के लिए हमने क्या क्या पापड़ बेले थे, पर जायदाद बेचने का थोड़ा दुख भी तो होता है। तुम क्या समझते हो कि मैं कंगाल हो गई हूँ? मेरे पास पैसे नहीं है। तुम देखना राजनाथ, मैं इससे भी बड़ी कंपनी खड़ी करूंगी, वो सिर्फ मेरे नाम की होगी। ये कंपनी तो मेरे नाम की थी। वैसे भी सब तरफ तो आपका ही नाम चलता था मैडम, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब कंपनी आपके नाम की थी नहीं, तो फिर आपने इसे बेचा कैसे? ये कंपनी सेठ किशोरी लाल की थी और मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, लेकिन मेरा सपना कुछ और था। मैं उनकी प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी बनाना चाहती थी। लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है मैडम, सपने तो सभी देखते हैं, पर ऐसे सपने साकार होते हैं क्या? लेकिन जो सपना खुली आंखों से देखा जाता है, वो सपना जरूर साकार होता है, और मैंने ये सपना खुली आंखों से देखा था। सबसे पहले मैंने सेठ जी का विश्वास जीता, लेकिन जब वो अचानक गुजर गए तो पता चला कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पे कर दी है। ऐसा लगा कि सारा खेल मेरे हाथों से निकल गया। लेकिन जब पता चला कि उन्होंने मुझे कैटेकर बनाया, तो पूरी बाजी मेरे हाथों में वापस आ गई। लेकिन आज वो बाजी फिर से तुम्हारे हाथ से निकल गई है। तुमने सेठ किशोरी लाल के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया था, और आज समय तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, सेठ किशोरी लाल का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि कत्ल किया गया था, और उस कत्ल को एक्सीडेंट का रूप तुमने दिया था। वेरी गुड। ये जानते हुए भी कि मैं इतनी चालाक हूँ, तुमने मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत की? वाह! मेरे बस में होता तो मैं उसी दिन तुम्हें मसल देता। मैं कंकड़ पत्थर नहीं हूं सूरज, जो पांव तले रौंदा जाए। मैं चट्टान हूं, सामने आके टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। हाँ, मैंने मरवाया है किशोरी लाल को।
तुम्हें जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। अफसोस तो इसी बात का है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ना उस दिन सबूत था ना आज है, वरना तुम आज मेरे सामने इस तरह खड़ी होकर चिल्ला नहीं बल्कि गिड़गिड़ा रही होती। लेकिन अब आप लोग गिड़गिड़ाने के लायक भी नहीं बचेंगे। वरना तुम आज मेरे सामने इस तरह खड़ी होकर चिल्ला नहीं बल्कि गिड़गिड़ा रही होती। लेकिन अब आप लोग गिड़गिड़ाने के लायक भी नहीं बचेंगे। जिस सच्चाई को मैं आज तक जानना चाहती थी वो मैं जान चुकी हूँ, आपकी जुबान से। अब मुझे कोई सबूत की जरूरत नहीं। एक पुरानी कहावत है मैडम, कानून की आंखें भले ही बंद हों पर कान हमेशा खुले रहते हैं, और कानून सब कुछ सुन चुका है। मैं अब आपको हथकड़ी पहनाकर यहाँ से लेकर जाऊंगी। बेशक, लेकिन एक बार नहीं हजार बार सोचना इंस्पेक्टर, मुझे हथकड़ी पहनाना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मैं सिर्फ कानून से डरती हूँ और उस शपथ से डरती हूँ जो पुलिस की नौकरी ज्वाइन करते वक्त मैंने ली थी। और जो उनसे डरा करते हैं वो मुजरिमों से नहीं डरा करते बल्कि मुजरिम उनसे डरते हैं। ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा इंस्पेक्टर। ये वक्त सौदेबाजी का नहीं है चैताली जी, अब ये वक्त आपके गिड़गिड़ाने का है। क्योंकि मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है जिस दिन किशोरी लाल जी के साथ वो हादसा हुआ था, उस शाम वो मुझसे मिलने आए थे और उस शाम सिर्फ तुम उनके साथ थे। चेताली खुद बोल चुकी हैं कि उन्होंने ही किशोरी लाल का मर्डर करवाया है और बाकी सब थाने जाकर बोलेंगी। और तुम राजनाथ, थर्ड डिग्री के बाद बताओगे या उसके पहले बताओगे कि शंकर कहाँ हैं? कौन शंकर? मैं किसी शंकर को नहीं जानता। शंकर कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। शंकर कहाँ हैं? मैं नहीं जानता शंकर कहाँ हैं। मैंने पूछा शंकर कहाँ हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। इंस्पेक्टर खबरदार, जो दोबारा हाथ लगाए उनको। मैं बताता हूँ। चलो दोनों को।
शंकर मेरे भाई खोलो ना जल्दी प्लीज भैया फिक्र मत कर अब आ गए भैया वरना मुझे लगा था कि यहां से मेरी लाश ही जाएगी नहीं मेरे भाई ऐसे मत बोलो तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता तुम नहीं जानते तुम्हारे गायब होने के बाद मैं एकदम पागल हो गया था कितनी बार पुलिस स्टेशन गया ताकि तुम्हारा कुछ पता चल सके मेरा एक पुलिस इंस्पेक्टर से झगड़ा भी हो गया था क्या करें सूरज साहब कभी कभी बिना गलती के भी सजा भुगतनी पड़ जाती है मगर याद रखिए मासूमों को सजा देने वाला भी एक ना एक दिन एक बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाता है जैसे कि राजनाथ हो गया मेरे होते हुए तुम्हें इतनी तकलीफें सहनी पड़ी मुझे माफ करना मेरे भाई नहीं भैया भैया अपने आप को मत कोसिए आपने मेरे हर दुख हर तकलीफ में मेरा साथ दिया है मुझे फख्र है कि आप मेरे भाई हैं अब्दुल्ला कहाँ है भैया अब्दुल्ला अब इस दुनिया में नहीं रहा अब इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा ऐसा नेक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा क्या मेरा दोस्त दुनिया में नहीं रहा अब्दुल्ला मुझे छोड़ के चला गया भैया ये कैसे हो सकता है भैया भैया उन लोगों ने ही मारा है अब्दुल्ला को मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं भैया शंकर अपने गुस्से पर काबू रखो कानून अपना काम कर रहा है अब्दुल्ला के कातिलों को जरूर सजा मिलेगी जिनके हाथ मेरे दोस्त के खून से रंगे हुए हैं मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा भैया आप बस कानून का साथ दीजिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि उन लोगों को ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि उनकी आने वाली सात पुश्तें भी गुनाह के नाम से घबराएंगी वैसे यहाँ हुआ क्या था पहले मुझे और अब्दुल्ला को उन लोगों ने किसी और जगह पे रखा था एक साथ पता नहीं वो कौन थी लेकिन उसने हमें वहां से बचाने की कोशिश की हमें वहां से उसने भागने के लिए कहा हम वहां से भाग रहे थे कि वो लोग हमारा पीछा करने लगे मुझे पहले भगाने के लिए अब्दुल्ला पकड़ा गया मेरी जान बचाने की खातिर उसने अपनी जान दांव पे लगा दी और आज वो इस दुनिया में नहीं रहा भैया सबा और आफरीन का क्या होगा सलमा भाभी कैसे जिएगी भैया हे भगवान उन लोगों को दुखों से निजात दिला दे भगवान भगवान है ना मैं हूं तुम हो हम सब मिलकर उनकी उजड़ी हुई दुनिया बसाएंगे उनके दुख में उनका साथ देंगे ये दुख नहीं है भैया ये तो गमों का पहाड़ है जिससे हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है आप मुझे ये बताइए कि सलमा भाभी कैसी है मेरे भाई तू घर चलना मैं रास्ते में सब कुछ बताता हूँ आना जाता
इंतजार कभी नहीं करवाया आपने। हमारे तो सब्र की सीमा ही टूट गई थी। सुजाता, मेरा भी यही हाल था। तुम लोगों के बिना जीना दूभर हो गया था। एक एक पल सदियों की तरह लगता था। आज भी टूटने लगी थी। मैं तो समझी थी कि बला टल गई, शंकर लौट कर ही वापस नहीं आएगा। वैसे अच्छा ही हुआ कि शंकर लौट कर आ गया, वरना सुजाता और बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए यहीं रखना पड़ता। भाभी, अगर आज भैया नहीं होते तो मैं वापस कभी नहीं आ पाता। आप लोगों ने हमारा इतना ख्याल रखा है कि उसके सामने माँ की ममता और बाबूजी का आशीर्वाद दोनों फीका पड़ गया। शंकर, तुम मेरे छोटे भाई हो। हम दोनों की रगों में बहने वाला खून है, तो फिर हमारा सुख दुख है क्यों नहीं हो सकता? पापा? बेटा, पापा, पापा, आप कहाँ चले गए थे? हम लोग कितना रोते थे आपके लिए। हाँ, मम्मी भी हमें देखकर अपने आंसू पोंछ लेती थी। आपने फोन भी नहीं किया। अब हम किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करेंगे पापा। अब हमने खेलना भी छोड़ दिया है पापा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते बेटे। तुम लोग खूब खेलो, खूब खेलो, फिर अपने खिलौने सबा और आफरीन को भी देना। अरे सबा, आफरीन, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, बड़े अब्बू के पास आओ। आ जाओ बेटा। शाबाश, लगता है आप लोग नाराज हैं हमसे, तभी तो हमसे बात नहीं कर रहे हैं आप। नाराज हो? हाँ, कुछ लोग अब्बू को अपने साथ लेके गए। तब से अब्बू ने हमसे बात नहीं की, लगता है अब्बू हमसे नाराज हो गए। किसी से नहीं बड़े अब्बू, अम्मी से भी डर नहीं लगता। आप भी कहीं हमसे अब्बू की तरह नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मैं कभी तुम लोगों से नाराज नहीं होगा मेरी बच्ची। तुम्हारे बड़े अब्बू तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देंगे, हर खुशी। कभी भी नहीं। अब्दुल्ला, मेरे भाई, लोग कहते हैं भगवान जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें बहुत जल्द अपने पास बुला लेते हैं। ये सच है, मगर तुम हमसे रूठकर इतने जल्दी चले जाओगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब्दुल्ला, मेरी हर सांस तुम्हारी दी हुई है, ये जिंदगी तुम्हारी ही देन है। तुम नहीं होते तो मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। तुम्हारे एहसानों का बदला मैं इस जन्म में तो किया, मैं कई जन्म भी ले लूं ना तब भी नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हारे जनाजे को कांधा भी नहीं दे पाया। मेरी खातिर तुमने अपनी जान कुर्बान कर दी। तुम अमर हो गए अब्दुल्ला।
मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर गर्व है। तुमने धर्म के उन ठेकेदारों के मुंह पर ताले लगा दिए जो इंसान को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। तुम तो चले गए अब्दुल्ला, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर चले गए। सलमा भाभी तुम्हारी मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, आज बेचारी पागल खाने में। सबा और आफरीन की जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं दोस्त कि तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगा। हाँ अब्दुल्ला, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं उन दोनों बच्चों को बहुत प्यार दूंगा, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दूंगा उन्हें। उन्हें तुम्हारे धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से पालूंगा, उनका ब्याह करूंगा, बड़े अब्बू होने का फर्ज निभाऊंगा मैं। तुम्हें भगवान स्वर्ग नसीब करे, तुम चैन की नींद सो अब्दुल्ला, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। मैं तुम्हारी हर इच्छा, तुम्हारे हर अरमान जो सभा और आफरीन के लिए तुमने अपने दिल में पाल रखे थे, उन्हें मैं पूरा करूंगा। एक दोस्त का वादा है अपने दोस्त से। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वसीयत वाली बात तो अब दफन हो चुकी है, सब मानने भी लगे हैं कि जायदाद का बंटवारा नहीं होगा, और शंकर इतना खुददार है कि उसमें लोभ और लालच रत्ती बराबर भी नहीं है। फिर भी इंसान को बदलते देर ही कितनी लगती है। जिस तरह भूख कुत्ते की वफादारी छीन लेती है, उसी तरह जरूरत इंसान से ईमानदारी छीन लेती है। इसलिए कोई ना कोई रास्ता मुझे निकालना ही होगा। इस बार तो फैसला होकर ही रहेगा। हाँ, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। या तो सुजाता इस घर में रहेगी या मैं सब कुछ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तो मैं भी अपने सामने घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। आज आपको फैसला करना ही होगा, या तो वो लोग इस घर में रहेंगे या मैं। आज आपको दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। गुस्सा नहीं है शंकर, ये लाचारी की इंतहा है। इतना भी किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए कि लोग हमें बोझ समझकर फेंक दे। मेरी बात मानिए, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।